यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ खादी का रोजमेरी एंड हेना का ये हेयर ऑयल, जो कि कितनी इसमें गुडनेस है कितनी बैडनेस है ये तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ इस वीडियो में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख के इस वीडियो को क्लिक किया ही होगा कि क्या चीज है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई इस हेयर ऑयल में। एंड इस हेयर ऑयल को अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच करना, इतनी जरूरी इतनी इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो में शेयर की हूँ। यहाँ पे देखो आप, मैंने कितना ज्यादा हेयर ऑयल यूज कर चुकी हूँ मैं, मतलब ये पूरा खत्म होने को है, तब इसके बाद ही मैं ये वीडियो बनाई हुई। मतलब अच्छे से प्रॉपर आपको मैं 2 महीने का रिव्यू आपके साथ शेयर करी, क्योंकि ये पूरा बॉटल आराम से 3-4 महीने चलता है, बट मैंने ज्यादा ज्यादा लगाया है ताकि मुझे रिजल्ट अच्छे से मिले। हर वीक मैंने इसे ट्राई किया है एंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसमें आखिर ऐसा है क्या एंड इसे कैसे लगाना है, इसकी प्राइस क्या है एंड इसको किस कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बालों में क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो ये हेयर ऑयल खरीदे, तो ये सब कुछ मैं प्रॉपर आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को हम शुरू करते हैं। खादी के नेचुरल रोजमेरी एंड हेना हेयर ऑयल में जो है बहुत ही अच्छा सा फॉर्मुलेशन है जो कि रिड्यूस करता है इन्फ्लामेशन को एंड आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। एंड मैं आपको बता दूं गाइस, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट हर्बल हेयर ऑयल ये है जो कि इन्हेंस करता है न्यू हेयर ग्रोथ को और प्रोवाइड्स करता है कलर रीस्टोरेशन। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये कलर जो है आपका ग्रे कलर जो भी बाल हैं, वाइट कलर जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म करता है डार्क रेडिश कलर। एंड इसकी प्राइस की बात करूं मैं तो ये मुझे 249 में फ्लिपकार्ट से मिला था। तो आप भी गाइस, ये खादी ब्रांड का हेना हेयर ऑयल है जिसमें कि रोजमेरी और हेना दोनों ही मिक्स है, जो कि पैराबेन फ्री है, बहुत ही अच्छा है, ऑयल फ्री है। तो चलो पहले सबसे पहले मैं इसको आपको बता देती हूँ यूज कैसे करना है। आपको इसे आपको इस तरह से अपने हाथों में लेना है एंड इस तरह से फिंगर टिप्स की हेल्प से अपने रूट्स में इसको अप्लाई करना है। सारे रूट्स में आप स्टार्टिंग से लगाना शुरू करो और पूरे हेयर लेंथ में आप इसको लगा लो बहुत ही अच्छे से एंड प्रॉपर इसे मसाज करो। पूरे हेयर में लगाने के बाद 5 मिनट तक आप इसे जरूर मसाज करो, क्योंकि मसाज वाला जो स्टेप है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बता दूं मुझे क्या प्रॉब्लम थी बाल में जो मैंने इसे परचेज किया है। सो गाइज, मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मेरे बाल जो है वो थोड़े थोड़े व्हाइट हो चुके थे, जिसके कारण मुझे ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए था जिससे कि मेरे बाल जो हेयर ग्रे हो चुके हैं वो जो है नॉर्मल हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो दैट्स व्हाई मैंने इसे परचेज किया है एंड जो है मेरे बाल बहुत ज्यादा पतले भी हैं, इसलिए मैंने इसे परचेज किया। बहुत ज्यादा मेरे बाल हेयर फॉल हो रहे थे, परचेज कर लिया है एंड हेयर फॉल अगर आपके भी हो रहे हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपके ग्रे हेयर हो रहे हैं तो आप इसे परचेज कर लो, क्योंकि इसमें जो रोजमेरी वाला काम होता है वो रोजमेरी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, बट इसमें जो हेना जो मिक्स है वो हेना जो है आपके व्हाइट हेयर ग्रे हेयर को जो है कन्वर्ट करता है डार्क रेडिश टाइप के हेयर में, मतलब कि आपके बाल प्रॉपर ब्लैक नहीं होते हैं बट ये जो है व्हाइट से जो है कन्वर्ट करता है डार्क रेड में। सो गाइज, तो रेड डार्क रेड इज बेटर देन व्हाइट, सो इसीलिए मैंने इसे परचेज किया। अगर आपके बाल व्हाइट से डार्क रेड हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा अच्छा है, कम से कम व्हाइट तो नहीं रहेंगे। सो इसलिए मैंने इसे परचेज किया। दो मंथ तक मैंने इसे लगाया, मेरे बाल काफी ज्यादा रेड हो चुके हैं। जितने भी मेरे बाल व्हाइट थे, मैं आपको सच में बता रही हूँ, मेरा ऑनेस्ट रिव्यू है ये, जितने भी मेरे बाल व्हाइट थे वो सब कुछ रेड हो चुके हैं। रेड होने के बाद जो है अभी भी रेड हैं वो बाल, आप देख सकते हो यहाँ पे व्हाइट हेयर आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे होंगे। एंड हेयर फॉल की तो मैं आपको बात ही क्या बताऊं, हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई है। तो गाइज, आप इसे परचेज कर सकते हो, यहाँ पे आप देख लो मेरे बाल कितने ज्यादा रेड हो चुके हैं एंड प्रॉपर हेयर फॉल भी कम हो चुका है, थिकनेस भी बाल की बढ़ चुकी है, बहुत ज्यादा सिल्की सॉफ्ट हो चुके हैं, बाल मजबूत भी हो गया है। सो इसलिए मुझे हेयर हेना का ये बहुत ही पसंद आया है एंड इसकी प्राइस भी बहुत ही ज्यादा महंगी नहीं है, आप इसे परचेज कर सकते हो। सो गाइज, खादी में कई भी और भी सारे ये ऑयल हैं, शैम्पू हैं, सब कुछ है, बट ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैंने सिर्फ हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए और अपने ग्रे हेयर वाली प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ये वाला हेयर ऑयल बनाया है। तो गाइज, अगर आपको भी प्रॉब्लम है ग्रे हेयर की एंड या फिर व्हाइट हेयर की और हेयर फॉल की, तो डेफिनेटली आप ये परचेज कर सकते हो। परचेज करने के बाद आप इसे परचेज कर सकते हो एंड आप वीक में 2 टाइम्स जरूर से जरूर लगाओ, रात में सोने से पहले पूरे बाल में रूट्स में अच्छे से लगा के 5 मिनट तक पूरे बाल को अच्छे से मसाज करो। देन उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आप जाके शैम्पू कर लो, आप देखो कितने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। हर वीक में 2 बार अगर आप लगाओगे गाइज, आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद है, तो प्लीज एक लाइक कर देना।
सो गाइज, ऐसे और हेल्पफुल वीडियोस के लिए जो आपके स्किन के लिए, हेयर के लिए अच्छे हैं, आपकी बॉडी के लिए अच्छे, आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।